नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो से शुरू करने जा रहे हैं आगामी मध्य प्रदेश शासन की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश की नदी बांध परियोजना एवं जल प्रपात पर आधारित एमसीक्यू प्रश्नावली क्रमांक एक। उक्त वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एमपीपीएससी आदि एग्जाम के लिए प्रश्न संख्या 1 से 50 इस प्रश्नावली में शामिल किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं वाहिकाओं क्या होती है। तो वाहिका होती है हमारा नाला हो, चाहे हमारा छोटी नदी हो, चाहे बड़ी नदी हो, चाहे नहर हो, वह माध्यम जिससे कि जल प्रवाह होता है वह वाहिकाएं कहलाता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अपवाह। अपवाह केवल अपवाह होता है इसका आंसर। देखते हैं हमारा, जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा जल प्रवाह होता है उसे अपवाह कहते हैं। चलते हैं हम। निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करते हुए जल के द्वारा निर्मित तंत्र को क्या कहते हैं? जो निर्धारित जल मार्ग है, चाहे वह नदी हो, चाहे छोटी नदी हो, चाहे हमारी अच्छी बड़ी बड़ी नहरें बनी हो, उससे जो हमारा जल तंत्र निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? नदी तंत्र भी कहते हैं, प्रवाह प्रणाली भी कहते हैं, अपवाह प्रणाली भी कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, हमारा नदी तंत्र, प्रवाह प्रणाली और अपवाह प्रणाली भी हमारा आंसर होगा। तो इसका और क्या है देखते हैं। यह अपवाह तंत्र का ज्यामितीय आकार यह बताता है कि किस प्रकार की प्रणाली या प्रति आकार या रूप कैसा है। वाहिकाओं के जल के अपवाह तंत्र को कहा जाता है। जो जल होता है नदियों में उसे ही अपवाह तंत्र कहा जाता है सरल भाषा में। चलते हैं हम। कोई भी नदी किसी अन्य जगह से अपना जल बहाकर लाती है उसे क्या कहा जाता है? वही हुए जल को क्या कहा जाता है? देखते हैं हम, हमारा आंसर क्या होगा इसमें। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है। जल ग्रहण क्षेत्र, हमारा आंसर हो जाएगा जल ग्रहण क्षेत्र। देखते हैं और इसमें क्या बोल रहा है। जल ग्रहण क्षेत्र झील, समुद्र, महासागर, सागर खाड़ी को कहते हैं, क्योंकि यहीं पे जल इकट्ठा होता है नदी के द्वारा। जो भराव होता है उसे हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं। कोई भी नदी और उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों अपवाह द्रोणी। तो हमारा आंसर हो जाएगा अपवाह द्रोणी। और देखते हैं, इसे क्षेत्र का जल प्रवाह भी कहते हैं। जो क्षेत्र का जल प्रवाह होता है उसे भी वो अपवाह द्रोणी में आता है। पूरा क्षेत्र, जैसे एक नदी के सारी सहायक नदियां हैं तो वो पूरा क्षेत्र आ जाता है, इसी का कह रहा है कि क्षेत्र का जल प्रवाह। हम देखते हैं अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कौन करता है? यह करता है पर्वत भी करते हैं। दो द्रोणियां हैं, जैसे एक नदी ये है एक नदी ये है, तो ये दोनों कैसे काटेगी, ऐसी जा रही हो या कैसी भी जा रही हो, तो इन्हें कोई पर्वत आ जाए या उच्च भूमि या ऊंचा क्षेत्र आ जाए या भूमि का विभाजक चिन्ह आ जाए, कोई उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो और क्या कह रहा है कि दो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल अपवाह कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं दोस्तों, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। जो जो भी दो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। चलते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों नदी द्रोणी। तो इसे कहते हैं नदी द्रोणी। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जाहिर है दोस्तों, जब हम बड़ी नदी होगी तो उसका जो उसका पानी होगा तो बड़े समुद्र में ही गिरेगा या बड़े महासागर में ही गिरेगा, तो नदी द्रोणी का जो आकार होता है वो बड़ा होता है। देखते हैं, छोटी नदियों नालों द्वारा अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जल संभर। इसमें क्या होता है, जल संभर में देखते हैं हम। जल संभर को दोस्तों वाटर शेड भी कहते हैं। आपने वाटर शेड पढ़ लिया होगा तो इसका हिंदी अर्थ अभी तक पता ही नहीं होगा कि जल संभर होता है ऐसे। वैसे मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर जो है वो जल संभर होगा। जल संभर में और क्या देखते हैं, जल संभर का आकार छोटा होता है। जब
जल नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है तो जल संभर का आकार छोटा तो हो ही गई, क्योंकि छोटी नदियां छोटे नाले। तो देखते हैं हम मध्य प्रदेश में प्रमुख जल विभाजक कौन से हैं। दोस्तों पहला आया है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी और कगारी श्रेणी, इसे हम विंध्याचल भांडर कैमूर कगार भी कहते हैं। तो क्या हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा? जी हाँ दोस्तों, हमारा उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। तो चलते हैं, नर्मदा नदी का अपाय तंत्र कौन सा है? नर्मदा नदी के अपाय तंत्र के बारे में पूछा है, तो एक तो सतपुड़ा पर्वत लिखा है और विंध्याचल पर्वत लिखा है। इसका आंसर होता है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, दोनों ही इसका आंसर होता है। दोस्तों चलते हैं हम, और क्या कह रहा है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों में होती हुई पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा में बहती है। इसकी संघ दिशा नदी कौन सी है जो इसके सात दिशा में बहती है? वह ताप्ती नदी या तापी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों तो चलते हैं हम, निम्न में से कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलती है? इसका आंसर क्या होगा? दिए ऑप्शनों में से हम देखते हैं क्या होगा इसका। होगा दोस्तों बैनगंगा नदी। बैनगंगा जो नदी है वह सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलती है। और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इस ध्यान दें, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलने वाली जो नदियां हैं वह दक्षिण में प्रवाहित होती हैं, यानी दक्षिण में बहती हैं, जो भी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से निकलती हैं। तो अब हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का समापन अरब सागर में है? यह दिया है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। क्या यह दोनों आंसर हमारा सही होगा? देखते हैं। जी हाँ, हमारा जो नदी का समापन अरब सागर में है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी दोनों का ही अरब सागर में गिरती है। चलिए अब और दे दिया है ताप्ती नदी के बारे में कि यह ताप्ती नदी जो है बैतूल पठार से निकलती है, ध्यान दें दोस्तों, और इसकी संघ पठार नदी है बैनगंगा, यानी बैनगंगा भी बैतूल पठार से निकलती है। देखते हैं, वह कौन सा पठार है जिसमें चारों दिशाओं से नदी निकलती है? वैसे इसका आंसर दिए ऑप्शनों में से हमारा आंसर हो जाएगा मैकाल पठार। तो इसका आंसर हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर से, मैकाल पठार बता रहा है इसका आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसके बारे में क्या बोला है, अरपा नदी। अरपा नदी कौन से पठार के भाग से निकलती है? इसमें से हमारा क्या आंसर होगा यह हमें देखना है दोस्तों। तो यह निकलती है हमारे अमरकंटक के दक्षिणी भाग से, हमारी यह नदी निकलती है दोस्तों। तो चलते हैं हम, नर्मदा नदी कौन से पठार से निकलती है? नर्मदा नदी हमारी जो है वो अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक के पश्चिमी भाग से निकलती है दोस्तों। सोन नदी के बारे में बात आई है, तो हमने देखा पिछले क्वेश्चनों में कि अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से जो नदी निकलती है और वो नर्मदा नदी, और अमरकंटक पठार के दक्षिणी भाग से वो निकलती है बैनगंगा नदी। तो हमारे जो अमरकंटक पठार के उत्तर भाग से कौन सी निकलेगी? वह निकलेगी सोन नदी दोस्तों। इसे देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सोन नदी। तो चलते हैं हम, इसका आंसर है अमरकंटक पठार के उत्तरी भाग से सोन नदी हमारी निकलती है। अब देखते हैं, वृक्षम प्रतिरूप में माने डेंटेटेड पैटर्न में बहने वाली नदियों में कौन सी नदी शामिल है? तो इसमें देखते हैं, सोन नदी, मालवा क्षेत्र की अधिकांश नदी जैसे गोपद, नर्मदा की सहायक नदियां, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। तो इसके हमारा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हम, निम्न में से कौन सी नदी अनुगामी अपवाह, कौन सी क्यूट ड्रेनेज पैटर्न की उदाहरण है? तो हम देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी क्या दोनों हैं? जी हाँ, यह इसके आंसर दोनों हो जाएंगे हमारे, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हमारे इसके दोनों आंसर होंगे दोस्तों। चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित प्रतिरूप सुप्रीम पोस्ट पैटर्न के उदाहरण पे आधारित है? तो हमें देखना है, यह है चंबल नदी। तो इसका आंसर भी हमारा चंबल नदी हो जाएगा दोस्तों, चंबल नदी। हम देखते हैं अब, सोन नदी के मार्ग में कहीं कहीं कौन सा प्रतिरूप दिखाई देता है? सोन नदी के में जो प्रतिरूप दिखाई देता है दोस्तों, यह हम देख चुके हैं,
अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है, आयतारूप प्रतिरूप होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आयता प्रतिरूप। चलते हैं हम नदियों के उद्गम स्थल प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को साधारणता कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैसे 6 भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देखते हैं 6। तो भाई 6 तंत्र कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखते हैं गंगा अपवाह तंत्र, उसके बाद देखते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र, उसके बाद हम देखते हैं ताप्ती अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र। ये सारे हमारे जो 6 अपवाह तंत्र हैं यह हो जाएंगे दोस्तों, महानदी माही नदी यह सारे अपवाह तंत्र हैं। मध्य प्रदेश में गंगा अपवाह तंत्र से उप अपवाह क्षेत्र के नाम क्या है, अब गंगा अपवाह तंत्र को भी उप अपवाह तंत्र में विभाजित कर दिया, तो यह यमुना अपवाह तंत्र भी हो जाएगा, अपवाह क्षेत्र भी हो जाएगा, टॉन्स बेसन या अपवाह क्षेत्र बोलेंगे इसे, और सोन बेसन भी हो जाएगा, यह तीनों इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो हम इसका आंसर देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसका आंसर उपरोक्त तीनों ही में ही विभक्त होते हैं। चलते हैं हम गंगा अपवाह क्षेत्र में नदियों का पानी कहां पहुंचता है, गंगा अपवाह क्षेत्र में नदियों का पानी कहां पहुंचता है, हम देखते हैं इसके दिए गए ऑप्शन में हमारे बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, हम देखते हैं हमारा आंसर बिल्कुल जी हाँ बंगाल की खाड़ी में हमारा अपवाह तंत्र। तो दोस्तों हमारा गंगा अपवाह क्षेत्र की नदियों का पानी कहां पहुंचता है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलते हैं अब और क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के विस्तृत उत्तरी भाग का जल विभिन्न नदियों से गंगा नदी में पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं दोस्तों, गंगा अपवाह तंत्र कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संपूर्ण नर्मदा बेसन का कितना भाग मध्य प्रदेश में है, यह बेसन पर आधारित क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र पर आधारित क्वेश्चन है, नर्मदा बेसन के संपूर्ण नर्मदा बेसन का भाग मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है, तो हमारा दिए ऑप्शनों में हमारा क्या हो जाएगा, 89.9% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा कंप्यूटर बोल रहा है कि नर्मदा नदी तंत्र के संपूर्ण बेसन में अपवाह प्रतिरूप वृक्षम प्रणाली वाला है, वृक्षम प्रणाली वाला यानी आसपास जो नर्मदा नदी के बाद है वो आसपास पेड़ लगे हुए हैं यानी वृक्ष लगे हुए हैं, यह वह है वृक्षम प्रणाली वाला है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, ताप्ती नदी तंत्र कुल अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, ताप्ती जो नदी बेसन है उसका अपवाह क्षेत्र कितना है, तो हम उसका आंसर देखते हैं दोस्तों, उसका आंसर हो जाएगा हमारा 65,145 वर्ग किलोमीटर, हमारा डी इसका आंसर होगा, इसे ध्यान दें। ताप्ती नदी तंत्र का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, जो ताप्ती नदी बेसन है उसका कितना अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9,804 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा 9,804 किलोमीटर। चलते हैं हम और महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में तो हो गया ताप्ती बेसन का जो ताप्ती नदी तंत्र है, अब महाराष्ट्र में होता है 51,504 किलोमीटर, उसी प्रकार हमारा गुजरात में हो जाएगा 3,837 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गोदावरी अपवाह तंत्र को सहायक नदियों के आधार पर कितने उप तंत्रों में विभक्त किया गया है, जो गोदावरी अपवाह तंत्र है उसकी सहायक नदियों के आधार पर कितने उप तंत्रों में सब तंत्रों में बांटा गया है दोस्तों, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 इसका आंसर होगा, 5 वह कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहला हो जाएगा हमारा बैनगंगा उपबेसन, उसके बाद हो जाएगा बाघ उपबेसन, बावन थड़ी उपबेसन, पैंच उपबेसन, कान्हा उपबेसन, तो यह हमारे 5 के 5 उपबेसन हो जाएंगे, बावन थड़ी पैंच कान्हा उपबेसन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, माही बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, माही बेसन का अपवाह क्षेत्र पूछ रहा है, तो माही का होता है 38,600
99 हम कंप्यूटर से भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर सही है 38,699 वर्ग किलोमीटर। माही बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना मध्य प्रदेश में है दोस्तों? अब माही बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में पूछ रहा है, तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7,188 वर्ग किलोमीटर जो है वो माही बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, केवल 7,188 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महानदी बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र, महानदी बेसन का कुल अपवाह क्षेत्र वर्ग किलोमीटर कितना मध्य प्रदेश में? अब महानदी के बारे में बात हो गई लास्ट बारे में, तो इसका आंसर है सबसे कम है 154 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में। हम अपने कंप्यूटर से भी देखते हैं तो हमारा आंसर सही होता है। चलते हैं और क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, हसदो नदी का अपवाह क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? हसदो नदी, यह नया नाम है दोस्तों, तो हम देखते हैं इसका आंसर। इसका है महानदी बेसन, महानदी बेसन के अंतर्गत जो वो है हसदो नदी का अपवाह क्षेत्र आता है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी बेसन। चलते हैं हम, और यह क्या है, हसदो नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो अनूपपुर जिले में है, हमारा कंप्यूटर बता रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हम, अब हम चंबल नदी कौन से पठार से निकलती है दोस्तों? यह देखें, पठार के संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चंबल नदी कौन से पठार से निकलती है, तो हमारा आंसर देखना है, हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं, मालवा पठार, मालवा पठार से जो है वो चंबल नदी निकलती है। तो चंबल नदी कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है? पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा हम देखते हैं, विंध्याचल श्रेणी। ध्यान दें, जो चंबल नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है दोस्तों। चलते हैं हम, चंबल नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो चंबल नदी पठार हो गई, पहाड़ी हो गई, श्रेणी हो गया हमारा, यह हमारा पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है कि चंबल नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है, तो एक रामावन, सूर्यावन, देवबन, तो हमारी क्या हो जाएगी, जाना पाव पहाड़ी हो जाएगी दोस्तों। हमारा आंसर, हमारा कंप्यूटर भी बता रहा है, हमारा आंसर जाना पाव पहाड़ी। तो देखते हैं, चंबल नदी कौन सी चोटी से निकलती है दोस्तों? चंबल नदी चोटी के बारे में पूछ रहा है, दिलीप चोरी चोटी यह लिखी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा संगार चोरी चोटी, संगार चोरी चोटी से हमारी चंबल नदी निकलती है। यदि चोटी के बारे में हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो संगार चोरी चोटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? चंबल नदी की जो समुद्र तल से ऊंचाई पूछी जा रही है भाई दोस्तों, हम देखते हैं दी ऑप्शनों में, हमारा आंसर हो जाएगा 843 मीटर, 843 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। देखते हैं हम, गांधी सागर बांध कहां पर बना है? तो यह ऑप्शन दिए हैं, ये राजस्थान के स्थान लिखे हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा आंसर इसका कोटा, कोटा इसका आंसर हो जाएगा, तो हमारा देखते हैं इसका आंसर कोटा होगा दोस्तों। गांधी सागर बांध कहां पर बना है? कोटा में बना है। और क्या है, यह बांध चंबल नदी पर बना है जो कि राजस्थान के कोटा में बना है, बिल्कुल सही। देखते हैं, चंबल नदी कौन से जिलों से बहती है? तो चंबल निम्न में देखना है, शिवपुर कुल्लू से बहती है, बहती है मुरैना से, हाँ मुरैना से, भिंड से, तो उपरोक्त सभी जिलों से बहती है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जिलों से बहती है। यह जिले उत्तरी मध्य प्रदेश में आते हैं, ध्यान दें। चलते हैं हम, चंबल नदी कौन सी नदी में मिलती है? दी ऑप्शनों में हमें देखना है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी, यमुना नदी में चंबल नदी मिलती है, यानी यमुना नदी, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी होगी दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पे कुल लंबाई के बारे में बात हो रही है, तो वह कितनी होगी? 995 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होगी, 995 वर्ग किलोमीटर, या फिर किलोमीटर ही होगी दोस्तों, किलोमीटर लंबाई में नापेंगे तो किलोमीटर होगी, वर्ग नहीं होगी। चलते हैं, चंबल नदी यूपी उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से कितनी दूरी पर यमुना नदी में मिलती है? तो यह लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह
मिलती है दोस्तों। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी यूपी के निम्न में से कौन से शहर की सीमा बनाती है? तो ये आगरा, इटावा, औरैया, यह तीनों शहर की सीमाएं बनाती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी शहरों की सीमाएं बनाती हैं। चलते हैं, कोटा मंडल के भैंसरोड़गढ़ के निकट चंबल नदी में कौन सा जलप्रपात बना है? इसका आंसर है चूलिया जलप्रपात। जबकि दुग्धारा जलप्रपात, मंदर जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, ये सारे के सारे नर्मदा नदी पर बने हुए हैं दोस्तों। देखते हैं, चूलिया जलप्रपात इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है, राहतगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है? तो इसका आंसर भाई चंबल नदी पर बना है। और यह कहां बना है अभी हम देखते हैं, यह चंबल नदी पर बना है। राहतगढ़ जलप्रपात सागर में बनाया गया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूलिया जलप्रपात की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? देखते हैं दिए हुए ऑप्शन, तो हम इसका आंसर देखते हैं 18 मीटर। 18 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है चूलिया जलप्रपात की दोस्तों। चलते हैं हम, चंबल नदी के यमुना नदी में संगम स्थल को क्या कहते हैं? यह ऑप्शन दिए हैं बड़े बड़े दोस्तों, तो उसे कहते हैं पंचनंद। जहां पर चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है उसे, उस स्थान को पंचनंद कहते हैं। वो पंचनंद में क्या है कि जहां पर भी चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है उसी स्थान पर अन्य चार नदियां भी आकर मिलती हैं, इसलिए उस स्थान को पंचनंद कहते हैं। ध्यान दें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी कौन से राज्यों की उत्तरी सीमा बनाती है? तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त तीनों शहरों की सीमा बनाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों शहर। चंबल नदी अपनी कौन सी भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में उत्खात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा उत्खात वाली। चलते हैं, उत्खात वाली भू आकृति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चंबलखंड और रबिंस, इन दोनों नामों से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, दोनों नामों से जानते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की कौन सी चट्टानों को काटकर चंबलखंड का निर्माण करती है? तो इसके आंसर दिए हुए हैं ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा एलुबियम। एलुबियम चट्टानों को काटकर चंबलखंड का निर्माण करती है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा एलुबियम चट्टाने। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी का पौराणिक नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से देख सकते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा हमारा चर्मणावती। इसका आंसर हो जाएगा चर्मणावती। जी हाँ दोस्तों, हमारा चर्मणावती चंबल नदी का पौराणिक नाम होगा दोस्तों। तो हमने एमपी जीके के मध्य प्रदेश बांध नदी जलप्रपात परियोजनाओं पर आधारित वीडियो क्रमांक 1 देखा दोस्तों। जैसे ही कैरियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हों उसकी तुरंत जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वैसे आपके पिछले वीडियो में लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारा अगला वीडियो एमपी जीके एमसीक्यू प्रश्नावली क्रमांक 2 जल्दी अपलोड करेंगे दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।